क्रिकेट की हमारी जो गेम है ना, ये बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ पाकिस्तान की हार्ट के साथ अटैच है। सिर्फ हम क्रिकेट को ही अहमियत दे रहे थे अरशद नदीम से पहले, तो इतनी अहमियत के बावजूद हम T20 के वर्ल्ड कप एक ही कप्तानी, एक ही कैप्टन की सूरत में, बड़े कम होते हैं कैप्टन जिनको 3-4 वर्ल्ड कप मिलता है, तो हमने 3-4 वर्ल्ड कप भी खेल लिए उसी कैप्टन की सूरत में। बहुत बड़ा लकी कैप्टन है कि कोरोना की वजह से यके बाद दीगरे उनको वर्ल्ड कप मिलते रहे हैं। वनडे का वर्ल्ड कप भी उनकी कैप्टनसी में खेला, T20 का भी उनकी कैप्टनसी में खेला, फिर हमने इंटरनेशनल सीरीज में बड़े बड़े मुल्कों से उनके साथ होम एंड अवे सीरीज भी उनकी कैप्टनसी में खेली। बड़ा मौका था, खाली एक पर हम ब्लेम डालने की बजाय, सर्जरी की बात आप ठीक कह रहे हैं कि उस पर आता हूं मैं, हमें एक पर ब्लेम डालने की बजाय जरा टीम परफॉर्मेंस पर कह रहे हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी किसी भी विनिंग स्ट्रीक या विनिंग गेम का बहुत अहम हिस्सा रहे? क्या रिजवान किसी भी विनिंग गेम का बहुत अहम हिस्सा रहे? इमामुल हक किसी भी विनिंग गेम का बहुत अहम हिस्सा रहे? यही सारे प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं। बाबर आजम फिर परफॉर्म करते हैं, हमें दिखाई दिए, लेकिन बतौर कप्तान चले उस पर हम बात कर सकते हैं। हमारे वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकलते जा रहे थे, हम कर क्या रहे थे? हम उन्हीं खिलाड़ियों पर रिलाय कर रहे थे। हमारे पास स्पिनर नहीं था, हम शादाब को स्पिनर कहकर खिलाते थे और उन्हें बैटिंग की अपॉर्चुनिटीज देते थे। फिर हमने जाकर माजी से उठाकर दोबारा से इमाद वसीम को ले आए, आमिर को ले आए। स्पिनर हमने ग्रूम पिछले 10 सालों में एक स्पिनर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये, डोमेस्टिक में स्पिनर नापैद होते रहे, मुश्ताक और सकलैन बड़ी बड़ी बातें करते रहे, स्पिनर लेकर नहीं आए। ये सब इन सारे लोगों का कसूर है। पाकिस्तान में स्पिनर्स के कैंप लगा करते थे, स्पिनर आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ कैंप्स लगते थे, लाहौर, एबटाबाद, कराची, इन डिवीजन्स में, फैसलाबाद कैंप लगा करते। कैंप लगना भी एंड हो गए, फिर स्पिनर की बजाय सारे लोग शिफ्ट हो गए शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे कि जल्दी जल्दी हम बैटिंग बॉलिंग दोनों पर उबूर हासिल करें और ऑलराउंडर के तौर पे PSL खेलें। PSL खेलना एक आसान हल निकल आया, जल्दी जल्दी प्लेयर को मौका मिल जाता है, जिन्होंने डोमेस्टिक ना भी खेली हो वो पाकिस्तान खेल जाते हैं। इसी तरह उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उस्मान हैं, बाकी हैं, शादाब खुद कितनी डोमेस्टिक खेल कर आए थे जब पाकिस्तान का हिस्सा बने, ये सारे लोग का मिला। अच्छा शान भाई, आपने डोमेस्टिक का जिक्र किया अभी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब डोमेस्टिक का जैसे इन्होंने नया स्ट्रक्चर लास्ट वीक अनाउंस कर दिया है, अब क्या ऑलरेडी आपका इंटरनेशनल ऑक्यूपेंसी इतनी ज़्यादा है कि सारे प्लेयर जितने भी टीम का पार्ट हैं या 15 का स्क्वाड कह लें आप, ये सब उधर बिजी होते हैं? इनमें से जो 20-25 की लॉट है वो तो वैसे ही आपका डोमेस्टिक नहीं खेलती। तो मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप सबसे पहले पाकिस्तान ये खेलेंगे। दूसरी तरफ आपका NOC का मसला है, आपके लड़के तो NOC को साइन करने को भी तैयार नहीं अब होते। वो कहते हैं जी हमें पैसे बढ़वाने के बावजूद, वो कहते हैं कि हमें 2 से ज़्यादा लीग को ऑफर करें आप, हमने उधर जाके पैसा कमाना है। तो आपके ख्याल में ये इतना आसान है जो बोर्ड समझ रहा है कि हम लड़कों को जिस तरह चाहेंगे घुमा लेंगे, ये हमें हम कंपेल करेंगे, या आपको लगता है ये प्रेशर ही था कि ना सर्जरी हुई और ये सारी बातें कि सिर्फ बातों की हद तक है, सब लड़कों की बातें मानी जाएंगी? सर्जरी का सबसे बड़ा हिस्सा तो आपने देख ही लिया, वकार यूनुस की वापसी 7वीं दफा मुख्तलिफ रोल्स में, कभी वो कोच बन जाते हैं, कभी मैनेजर बन जाते हैं, कभी हेड कोच बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं। अब और जिन स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं इरफान भाई, क्या बताएं मुझे, पेंटेंगुलर कप नहीं होता था पाकिस्तान में, किसी में नहीं होता था, 5 टीमें नहीं खेलती थी, यही फॉर्मेट नहीं था। पेंटेंगुलर कप का वनडे का भी होता था, 4 डे का भी होता था। एडअप क्या हुआ, सिर्फ T20, इवन T20 का भी होता था इस्लाम भाई, T20 का भी एंड में होता रहा पेंटेंगुलर कप बाद में। बिल्कुल, अब आप चैंपियंस लीग नाम रख दें, क्या फर्क पड़ेगा? होगा यही, सिर्फ आप एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। जो डोमेस्टिक का कैलेंडर है ना, उसकी एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, उसकी एंगेजमेंट में अब आप चाहते हैं कि बाबर आजम भी डोमेस्टिक खेले, रिजवान भी खेले, शाहीन भी खेले और ये सारे लड़के, हारिस रऊफ भी खेले। और जो लड़के अब ये सोच रहे हैं, ये भी आपको मैं बताऊं, आप तो खैर जानते हैं, बहुत क्लोजली मैंने कुछ लड़कों से बात की, बड़े स्टार ये सोच रहे हैं जो 1 डायमेंशनल गेम खेल रहे हैं T20, वो ये सोच रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत ही नहीं, हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट लें, क्यों ये बोझ उठाएं, हम आराम से अपनी लीग्स खेलते रहेंगे और एक आधा फॉर्मेट हमें खिलाते हैं तो ठीक है, नहीं खिलाते तो पैसे बन रहे हैं उनके करोड़ों रुपए। ज्यादातर प्लेयर्स की अगर ये सोच, आपने खुद ही बनाई है ना, ये तो बोर्ड ने बनाई है सोच, आपने फोकस ही इतना कर दिया, फ्रेंचाइज क्रिकेट को पावरफुल इतना कर दिया। चाहे मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ फ्रेंचाइज है जो अपने खिलाड़ी इंडक्ट कराती है, वो इंडक्ट। अब मुझे इरफान, बहुत अच्छा प्लेयर है इरफान, ने अभी क्या डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस है, मुझे अगर कोई गिन के बता दे 4 मैच खेले हुए यार उसने, 4 मैच की परफॉर्मेंस पे आप उसको कैसे ला सकते थे टीम में, लेकिन चूंकि वो फ्रेंचाइज पावरफुल है। इसी तरह फ्रेंचाइज ने अपना कप्तान बनवाना था, पावर लगा के कप्तान बनवाई, वो 4 मैचेस में कप्तान नहीं रहा, वो भी हट गया। अब यहाँ फ्रेंचाइज बहुत पावरफुल गेम खेल रही है। अब ये फ्रेंचाइज का इन्हें जरा जोर तोड़ना था, तो ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे तवज्जो देना शुरू हो गए। स्ट्रक्चर वही का वही है, सिर्फ कैलेंडर एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, स्पैन बढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं ताकि एंगेजमेंट रहे। 5.5 लाख रुपया बढ़ा दिया उन्होंने बड़े प्लेयर का, डोमेस्टिक का मैच फीस अलग होगी, इससे 5.5 लाख रुपया सैलरी होगी, पर भी तैयार नहीं है खिलाड़ी। और मजे की बात यह है इरफान भाई कि 13,000 अनाउंस कर दिए उन्होंने मैचेस, जो कि क्लब के होंगे, जो कि स्कूल लेवल के होंगे, जो कि यूनिवर्सिटीज के होंगे, रीजन के होंगे। पहले तो मुझे बताएं 13,000 मैचेस खेले कैसे जाएंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और आप ट्रॉफी के साथ इसको कैसे लिंकअप कर सकते हैं?